हेलो माय फ्यूचर बोथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से करन जा रहे हैं क्लास 10th पीएससीबी दा साइंस दा चैप्टर 4 टर्म 2 की तैयारी ली। इस वीडियो दे विच असि क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहंदे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की होएगा कार्बन डाइऑक्साइड दा जिदा फार्मूला CO2 है। होप तुहानू 9th क्लास दा याद होएगा, एटम्स दा जिहड़ा चैप्टर है उससे मैं वीडियो भी बनाई सी। सो मैं इतों बेसिक्स तो नहीं समझाऊंगी, बिकॉज बेसिक्स मैं समझाए हुए हैं। मैं उस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन दे दूँगी जो तुम बेसिक्स समझना चाहते हो। हुण कार्बन है, कार्बन का जो एटोमिक नंबर है वह 6 है, तो वो 2 ते 4 वो इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी। ऑक्सीजन का एटोमिक नंबर 8 है, वो इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 2.6। सो आप लास्ट वाले जोड़े 2 नंबरस है उन्होंने कंसीडर करने। वेट अ मिनट, ये लास्ट वाले जो 2 नंबरस है उन्होंने कंसीडर करने। सो स्टार्ट करते हैं। कार्बन है, कार्बन के लास्ट नंबर की है 4, लास्ट चल जाए 4 इलैक्ट्रॉन है, 4 इलैक्ट्रॉन मैं ड्रॉ करते। नैक्सट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन होंगे CO2 के फॉर्मूले। सो ऑक्सीजन के किन्ने है लास्ट के 6 इलैक्ट्रॉन्स, 2 मैं इधर करते, 2 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 इधर करते, रिप्रेजेंट करते सारे इलेक्ट्रॉन्स। बस हो गया काम, हुण सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। हर एटम के सर्कल के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दो, हो गया थोड़ा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन को 2 घट सके, कार्बन ने अपने 2 शेयर कर ले। कार्बन ने इधर ऑक्सीजन अपने आप ले 2 शेयर करवाते, दोनों ऑक्सीजन के बाउंड्स पूरे हो गए। नैक्सट आंदा है कार्बन खुद दे किवें करेगा, 4 दे कोल हैगे सी, 2 इस ऑक्सीजन तो लेगा, 2 इस ऑक्सीजन तो लेगा। कार्बन दे भी 8 पूरे हो गए, गिन के देख लो। हर एक दे सर्कल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन्स हैं, यही थोड़ा इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। उस तो जो तुम चाहो तो इन्हू बॉन्ड्स दे विच ही शो कर सकते हो। कार्बन दे विच 2 बॉन्ड्स आउणगे, ऑक्सीजन दे डबल बॉन्ड्स आउणगे। नैक्सट है सल्फर का शो करना है, जो कि 8 एटम्स दे विच हुंदा है रिंग स्ट्रक्चर दे विच। सो तुसी की करना है, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगी 2.8.6, तो यह सल्फर आ गया 2 2 2। इस तरह करोगे उस तो बाद होएगा कि यह थोड़ा चलता रहेगा। उस तो बाद इतने एक सल्फर ला दो, उदे 2 2 शो कर दो, ठीक है। इस तरह मैंने 2 2 ये शो करते। उस तो बाद एक सल्फर उपर लै लो, एक सल्फर उपर लै लो, 2 2 2 2 शो करते, सब दे 6 शो कर दो, 8 दे 8 दे। उस तो बाद सर्कल पूरे कर दो। देखो इस सल्फर को 6 खुद दे ने आ वाले, 1 इस सल्फर तो ले लेगा। जिमें आ थोड़ा मैं दोबारा दस दी हाँ, जिमें आप वेट अ मिनट, जिमें आप इस सल्फर नू लै लें, मैं जूम कर देनी हाँ, आप इस सल्फर नू लै लिया, ठीक है। 2 2 2 4 तो ये खुद है, प्लस 1 आ वाला तो खुद है, 1 आ वाला खुद है। ये की करेगा, 1 उपरले सल्फर तो इलैक्ट्रॉन ले लेगा, 1 नीचे वाले सल्फर तो ले लेगा, ये की हो जाएंगे पूरे हो जाएंगे। उस तो बाद जो नीचे वाला सल्फर है वो अपने उपर वाले तो लेगा, प्लस नीचे वाले तो लेगा, तो इस तरह थोड़ी रिंग बन जाएगी। थोड़ा पहली बार समझ नहीं आएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये सल्फर है, ठीक है, ये 6 इलैक्ट्रॉन्स है। इस दे उपर वाले जोड़ा सल्फर है वो भी 6 इलैक्ट्रॉन्स है, ये नाल वाले जोड़ा सल्फर है ये भी 6 इलैक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सो इन्हें मैं ड्रॉ करता। हुण ध्यान नाल दोबारा समझो कि जोड़ा आ सल्फर है ये की करेगा। आ देखो ये 1 2 3 4 5 6 खुद दे सी, 7th नीचे वाल का ले लिया, 8th उपर वाल का ले लिया, यदा सर्कल कंप्लीट। वो भी अगे वाल तो लेगा, अगे वाले तो अगे वाले तो करते करते 8 जड़ी मोलीक्यूल सॉरी एटम्स है वो चेन बन जाएगी। आप इन एसेट मोलीक्यूल कहने, 7 एटम्स का ग्रुप कि सल्फर दे। इस तरह तुम इन बॉन्ड्स में शो करोगे, सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर किन्ने 8। नैक्सट है आइजोमर्स, समझो पहले की होंगे ने इस क्वेश्चन के लिए। आइजोमर्स वह होंगे ने किसी भी, जे आप किसी भी कार्बन कंपाउंड की गल करिए मोलीक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट जोड़ा स्ट्रक्चर है वह डिफरेंट है, वह आइसोमर होंगे। सो पेंटेन, पेंटेन के आप आइजोमर्स दसने ने, पेंटेन के 3 आइजोमर्स होंगे। देखो पेंटेन की होगा, पेंट पेंट मीनस 5 कार्बन होंगे, एन एन मीनस सारे सिंगल बॉन्ड होएगा, कोई भी डबल बॉन्डेड नहीं होएगा। सो मैंने क्या किया,
पहले तो 5 कार्बन ले ले, सारा नुकीक हाइड्रोजन दे के 4 बॉन्ड पूरे कर दे, या सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दे, 4 बॉन्ड भी कह सकते हो तुसी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द एंड पेंटेन यानी नॉर्मल पेंटेन है, इस कुछ है नहीं न्यू। ठीक है, नॉर्मल है, 5 कार्बन की चेन है, सारा नुकीक हाइड्रोजन दे के और बॉन्ड पूरे कर दे। सैकेंडली मैंने की किया, लास्ट वाले कार्बन को चक के या अगे वाले कार्बन को चक के सैकेंड वाले से लगाता, लास्ट वाले कार्बन को चक के सैकेंड वाले से लाता, उस तो बाद की होगा सेम, ये भी 4 बॉन्ड पूरे कर दो, हर एक 4 बॉन्ड पूरे कर दो, एक ही हो गया आइसोपेंटेन। की हो गया आइसोपेंटेन, इसका नेम की है आइसोपेंटेन। उस तो बाद मैंने की किया, पहला मैंने आ वाला उरे रखा सीगा, आ वाला उरे रखा सीगा, हुण मैंने आ वाला चक के उरे रखता, यानी देखो एक ऊपर लगाता एक नीचे लगाता, एक ही हो गया नियोपेंटेन। सो तीन ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं। हुण तुसी कहोगे जे मैं आ चक के उरे लगाया सी तो आ वाला चक के उरे क्यों नहीं लगाया, बिकॉज तुसी इनू काउंटिंग करोगे ना ये सेम बन जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 थोड़े अकॉर्डिंग मैंने 5 नू 2 ते लगाया, हुण जब मैं पिछों काउंट करांगी 1 2 3 4 5 एक ही है 1 4 ते लगाया। सो उस तरह मैं जे इनू दोबारा इस वाले नू इत्थे लगाऊंगी ना 4th ते, तो 4th ते मैं पहले ही लगा चुकी, 4th ते मैं पहला भी लगा ही चुकी ना। सो दैट इज़ वाई आप दो नहीं बना सकते, तीन ही बनेंगे ये, 4 नहीं बना सकते पेंटेन दे आइसोमर्स। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ की है कार्बन दियाँ, जो कि उन्हें इन्ने सारे कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते अपने अराउंड। सो कार्बन दे विच दो प्रॉपर्टीज़ मेन है जो कि उदे इन्ने ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स लई रिस्पोंसिबल है। सब तो पहला कैटीनेशन, दूसरा टैट्रावैलेंसी। कैटीनेशन होंदी है किसी भी कार्बन दे एटम दी एबिलिटी कि वह बॉन्ड्स बना सकता है, कार्बन दे विच काफ़ी अच्छी एबिलिटी है कि वह बॉन्ड्स बना सकते हैं। टैट्रावैलेंसी होंदी है जिदी वैलेंसी 4 होंदी है उन्हें टैट्रावैलेंसी कहा जाता है, तो कार्बन दे विच कैपेबिलिटी है कि वह 4 अदर एटम्स दे नाल बॉन्डिंग करता है। नेक्स्ट है साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर दसना है, मॉलिकुलर फॉर्मूला की आ जाएगा C5H10, क्योंकि पेंट है तो C5 आएगा, टेन है तो H10 आएगा। सो सब तो पहले तो इन बॉन्ड्स विच तुसी शो करना है, साइक्लो मीनस भी जितों किस जिस कार्बन तो स्टार्ट हो उतों ही खत्म करना है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन बना के हाइड्रोजन नाल बॉन्ड्स पूरे कर दो जिहड़े बचते ने। उस तो बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो कि मेन आपां बनाना है, ध्यान नाल देखो इत्थे की किया गया, कार्बन के जिहड़े इलेक्ट्रॉन्स है उन्होंने क्रॉस नाल शो किया गया, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स नूं डॉट नाल शो किया गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उहदे कोल शैल दे विच भी 1 है, सो हाइड्रोजन अपना एक ही डॉट लैके आया है। कार्बन के 4 क्रॉसिज है, इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉसिज कह रही ताकि तुहानूं ईजीली समझ आ जाए। सो कार्बन का 1 2 3 4, उस तरह इस कार्बन के 1 2 3 4, इस तरह इन्हें अपने दिते हुए ने सारियां नूं। ठीक है, सो हुण मैं तुहानूं ध्यान नाल समझा रही हूँ। देखो आ सी है यानी कार्बन है, कार्बन नाल सब तो पहला हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फिर दूसरे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, प्लस कार्बन को खुद के किन्ने पे सी 1 2 3 4। सो उन्होंने को किन्ने हो गए 1 2 3 4 5 6, प्लस एक ने उपर वाले कार्बन भी दे रखे, प्लस उपर वाले कार्बन तो लिता भी होया, सो तो टोटल 8 हो गए। ध्यान में समझो, 1 ने उपर वाले कार्बन तो लिता, प्लस इन्हें 2 हाइड्रोजन तो ले ले, 1 ने नीचे वाले कार्बन तो लिता, 4 ये कोल खुदे सी, 4 मैं थोनों एरोज नाल दिखाते कितों कितों लिते है, तो हर कार्बन इसी तरह अपने 8 पूरे कर लेगा। होप थोड़ा समझ आ जाएगा, इस तरह इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूरा हो गया। ध्यान में समझो, 1 उपरों 1 नीचों 2 साइडा तो लिते हैं, 4 वो कोल खुद है ही सके, इस तरह थोड़ा जो स्ट्रक्चर है बन जाएगा। प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा, हर एक कार्बन बनाते जाओ अपने आप समझ आएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, बहुत ईजी काम है, इथेनोइक एसिड का करना। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला की है CH3COOH। ठीक है, तो सब तो पहला 2 कार्बन आएंगे सिंगल बॉन्ड आगे, उस तो बाद जड़ा बचा कार्बन है वो तो असी हाइड्रोजन का बॉन्ड पूरे करांगे, प्लस ओइक एसिड है यानी कार्बोजेलिक ग्रुप है, तो आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्साइड लगा देंगे। नेक्स्ट है ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला की बन जाएगा C5H11Br। सो C5 ले लिया पद, कार्बन 5 ले ले बिकॉज पेंट सेगा, ब्रोमो लग्या होया यानी एक कार्बन के नाल Br यानी ब्रोमीन लगेगा,
प्लस जोड़े बाकी बचते हैं उन्होंने हाइड्रोजन पूरे कर दो। नैक्सट है ब्यूटेनन। ब्यूटेनन के फॉर्मूला आ जाएगा C2H5COCH3। सो आएगा फॉर्मूला, देखो ब्यूटेनन, ब्यूट यानी चार कार्बन बनाते, प्लस नन यानी कीटोन ग्रुप है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, बाकी जो बचते बॉन्ड्स है उन्होंने हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो। नैक्सट है हैक्सेनल C5H11CHO। हैक्सेनल यानी हैक्स यानी छे कार्बन, सो छे कार्बन ड्रॉ करते। नल है यानी एल्डिहाइड ग्रुप है, लास्ट के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगी, बाकी बचते बॉन्ड्स हाइड्रोजन पूरे कर दो, चार पूरे करने होंगे तुम। नैक्सट है उन्होंने लास्ट एक क्वेश्चन पूछा सीगा, कहते जिहड़े स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे ने ब्रोमोपेंटेन के भी हो सकते हैं या नहीं। आइसोमर्स यानी फॉर्मूला सेम रहेगा, जिन्ने कार्बन है जिन्ने हाइड्रोजन है उन्ने रहेंगे, बट स्ट्रक्चर बदल जाएगा। सो देखो पहला वही चीज़ पॉइंट है, पांच कार्बन सेम स्ट्रक्चर जो आप ड्रॉ किया। नैक्सट च मैंने करता टू ब्रोमोपेंटेन, इस बार ब्रोमो पहले कार्बन से नहीं, मैंने दूसरे से लाता। हुण तुसी कहोगे इतना 1, 2, 3, 4 है, नहीं जिधर थोड़ा मेन न्यू कंपाउंड है उधरों काउंटिंग स्टार्ट होएगी, इस साइड तो पहला आएगा। सो 1, 2 यानी सैकेंड से है तो मैं लिखागी 2 ब्रोमोपेंटेन, ये 3 तो है 3 ब्रोमोपेंटेन। हुण तुसी कहोगे अगे तो बनाए नहीं होए, इतने का लिखा हुआ 3 आइसोमर्स है, सो 4th तो इसलिए नहीं रखिया, जो तुम इन इधरों काउंट करोगे जल्दी लियान ली तो 2 ब्रोमोपेंटेन द्वारा बन जाएगा। इस करके 3 ही आइसोमर्स आएंगे, 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन। नैक्सट है कहते इन कंपाउंड्स में की नेम दोगे, CH3 यानी CH3 CH2 एंड ब्रोमीन की बन गया है, दो ने तो इथ आ जाएगा, ब्रोमीन है तो किस तरह लिखोगे इन ब्रोमोइथेन, क्योंकि सिंगल बोंड है तो इथेन आएगा, ब्रोमो क्योंकि BR है तो इथ क्योंकि दो कार्बन है, सो ब्रोमोइथेन। अगे है कार्बन के नाल डबल बोंड ऑक्सीजन है तो दो हाइड्रोजन है, यानी एक कार्बन है तो मिथ तो सिंगल बोंड है हाइड्रोजन के नाल एन, प्लस जोड़ा एल्डिहाइड ग्रुप है वो वजह मिथेनल। नैक्सट है थर्ड वाले किन्ने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 है यानी हैक्स आएगा, प्लस ट्रिपल बॉन्ड है आइन आएगा, सो हैक्स आइन आ जाएगा आंसर। नैक्सट है कहते जो कन्वर्जन करते हैं आप इथेनोल का इथेनोइक एसिड के ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों मनिया जाता है। सो ये हों की है जो आप इथेनोल इथेनोइक एसिड कन्वर्ट करते हैं तो वो ऑक्सीजन ऐड किया जाता है, तो करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया जाता है, तो आ रिएक्शन एग्जाम लिख देनी है। नैक्सट टाइम कहते एक ऑक्सीजन का मिक्सचर है ठीक है, तो एक इथाइन है, दोनों बर्न किया जाता है वेल्डिंग के लिए। तुम दस सकते हो कि जो मिक्सचर ऑफ इथाइन तो एयर है वह क्यों नहीं यूज़ किया जाता, ऑक्सीजन ही क्यों यूज़ करते हैं इथाइन के नाल। सो जो इथाइन हवा के बर्न करते हैं वो कंप्लीटली बर्न नहीं होंगे, वो एक सूटी फ्लेम देन लग जाता है, क्योंकि होंगे की है सप्लाई जी एयर की है वो लिमिटेड हो जाती है, इस करके ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो जो इथाइन है फिर उन्होंने जो आप ऑक्सीजन का बर्न करते हैं तो काफ़ी क्लीन फ्लेम आती है, तो टैंपरेचर भी जिन्ना आपको चाहिए 3000 डिग्री सैलसीयस तक पहुँच जाता है, क्योंकि कंप्लीट कंबशन होती है। नैक्सट है एलकोहल तो कार्बोजाइलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप्स ने दोनों के डिफरेंस दसना है। सो एलकोहल एलकोहल लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगी, कार्बोजाइलिक एसिड है नेम तो ही पता चल रहा है एसिड है, ब्लू लिटमस को रैड कर देगी। नैक्सट है जी एलकोहल होंगी है बेकिंग सोडा ना रिएक्ट नहीं करेगी, बट जी अपनी कार्बोजाइलिक एसिड है वह बेकिंग सोडा ना रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा। नैक्सट है जे आप एलकोहल एलकलाइन पोटाशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन के हीट करांगे, एलकोहल इस सोल्यूशन का पिंक कलर गायब कर देगा, डिसअपीयर कर देगा, बट जे आप कार्बोजिलिक एसिड्स को हीट करांगे एलकलाइन पोटाशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन के अंदर, तो कार्बोजिलिक एसिड पिंक कलर में कोई इफेक्ट नहीं पहुँचाएगा। नैक्सट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की होंगे ने, सो कुछ सबस्टांसिज होंगे ने जिमें कि एलकलाइन पोटाशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, नाम याद रखने बहुत, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों जड़े ने कैपेबल ने दूजे ऑक्सीजन देने दे, इस करके इन्हों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਵਾਟਰ ਹਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਫਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈਥਰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਝੱਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਫਟ ਨਾਲ ਵੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸੋਪ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਝੱਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਘੋਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਫਟ ਵਾਟਰ ਹੈ ਹਾਰਡ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਮੈਥਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ, ਉਹ ਯੂਜਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਬਣ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਟ ਯਾਨੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਟੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਕ੍ਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ? ਸਾਬਣ ਲਗਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਪ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੋ ਐਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਐਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ। ਫੋਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਡਰਨਾ, ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਓਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ। ਓਇਲ ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ ਡਸਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਸਲਿਊਬਲ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਡਰਟ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਲਸ ਫੋਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਲੱਸਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਿਸਲਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਇਡਸ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਸਲਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਾਨੀ ਡਰਟ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।